हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये चैनल आपके सामने आए या नहीं आए नोटिफिकेशन में। तो आगे जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी को प्रॉपर मिलते रहें। तो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के इंग्लिश मीडियम के वीडियो बना दिए हैं, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के ही सामान्य हिंदी जो है वो बासंती कक्षा 10 की, उस पर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखें तो जो इंडेक्स है हमारा यहाँ पे कंटेंट में कुछ चैप्टर्स हट गए हैं, जिसमें आप लोगों ने देख लिए होंगे नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मीरा के पद, अशोक का हृदय परिवर्तन, मजदूरी और प्रेम, इस नदी की धार में तुम वही दीपक बनोगे, दो कविताएं और गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं में कुछ पार्ट हटा है, बाकी जो ग्रामर से रिलेटेड है उसमें बहुत छोटे से क्वेश्चन ही आने हैं, बाकी सब हट गए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग देखते हैं। सबको ब्लूप्रिंट पता ही है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 10 नंबर में जो निबंध है वो रूपरेखा लिखने के लिए आएगी, 3 नंबर में 7 नंबर का निबंध और 3 नंबर की रूपरेखा, बाकी पद्यांश से अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश भी हैं और ग्रामर वाला पार्ट है, प्रश्नोत्तर है, तो वो क्या क्या करना हम देखते हैं। तो विनय के पद जो है तुलसीदास जी का, जीवन परिचय नहीं आता है, पर आप लोगों को रीड इसलिए करना है कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आते हैं, चूज द करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब। तो प्रश्न बैंक भी आने वाली है जो विमर्श पोर्टल वाली, वो आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है। तो विनय के पद में ये वाला पैराग्राफ जो है, अब लो नशानी वाला, ये आपको अर्थ के लिए रखना है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर देखें स्टूडेंट सीधे, तो पहला चौथा दीर्घोत्तरी में भी पहला तीसरा आपको करना है। संस्कृति का जो स्वरूप है इसमें भी हम प्रश्नोत्तर देखें तो पेज नंबर 5 पे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इधर दीर्घोत्तरी में सेकेंड वाला, और यहाँ पे हम देखेंगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन ये है जीवन रेखा। इस चैप्टर में जो प्रश्नोत्तर है उसमें पेज नंबर 11 पे आप देखेंगे सेकंड वाला, इसके बाद फिर फोर्थ, और दीर्घोत्तरी का फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ये आप लोगों को करना है। उसके बाद कर्मवीर वाला जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे नीचे वाला जो पद का पार्ट है, पर्वतों को काट कर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करना है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये तो आपको परफेक्ट रखना ही है, बाकी फिर प्रश्न बैंक की तैयारी करना है। तो इतने में आप पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर सिंपल ही आएगा। प्रश्नोत्तर में देखें तो पेज नंबर 14 पे सेकंड फिफ्थ, दीर्घोत्तरी में फर्स्ट और फोर्थ, ये आप लोगों को करना है। सूखी डाली एकांकी जो है इसके हम देखते हैं तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखें स्टूडेंट तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो आप लोगों को करना है। वह देश कौन सा है इसके जो प्रश्नोत्तर है, पद्यांश का इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। पेज नंबर 30 पे फर्स्ट एंड फोर्थ, दीर्घोत्तरी में सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखना। अशोक का हृदय परिवर्तन हट गया है। वर्षा गीत में देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आप लोगों को अर्थ के लिए करना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर में फर्स्ट लघुत्तरी का एंड दीर्घोत्तरी का भी फर्स्ट एंड थर्ड, मजदूरी और प्रेम डिलीट हो गया है। फिर सीधे चलते हैं हंसिए और स्वस्थ रहिए, इस पार्ट में आप देखेंगे तो प्रश्नोत्तर में लघुत्तरी का सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ, दीर्घोत्तरी में भी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। समय नहीं मिला इसमें स्टूडेंट, जो लघुत्तरी प्रश्न है उसमें फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ, इसके बाद दीर्घोत्तरी का फर्स्ट करना है, ये आप लोगों को देखना है। सबरी वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे अर्थ के लिए आ सकते हैं, जिसमें आप पेज नंबर 52 पे देखेंगे तो परम स्वाद आनंद, ये वाला पैराग्राफ। इसके बाद पेज नंबर 53 पे आप देखेंगे तो ये दोनों पैराग्राफ, और यहाँ नीचे भी आप देखेंगे किंतु आज जो तृप्ति वाला और आज सत्य इस कुटिया पे, ये जो 4-5 मैंने पैराग्राफ लगाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से इनके अर्थ आप लोगों को तैयार करना है। प्रश्नोत्तर में देखें तो पेज नंबर 54 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और दीर्घोत्तरी का भी थर्ड वाला जो पोर्शन है वो आपको करना है। माटी वाला जो चैप्टर है माटी वाली, इसमें आप लोगों को 57 पेज पर लघुत्तरी में फोर्थ, दीर्घोत्तरी में फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये टिक करना है। तुम भाई दीपक बनोगे हट गया है, गोश्रीनगर से श्रीनगर, इसमें स्टूडेंट पेज नंबर 64 पे लघुत्तरी का सेकंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ दीर्घोत्तरी का। ये प्रेरक प्रसंग में देखें तो पेज नंबर 66 पर सेकंड
लघु उत्तरिका, दीर्घ उत्तरिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर सिक्स वाला पेज नंबर 67 पर जो सर्कल बने ये आप लोगों को करना है। दो कविताएं भी डिलीट हो गया है। योगी अरविंद, इसमें देखते हैं पेज नंबर 72 पर लघु उत्तरिका फर्स्ट, दीर्घ उत्तरिका फर्स्ट सेकंड फोर्थ, गीता का मर्म, इसमें आप देखेंगे तो पेज नंबर 76 पर फोर्थ, इसके बाद दीर्घ उत्तरी में फर्स्ट फोर्थ। यहाँ तक हमारा पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। ये जो ग्रामर वाला पार्ट आ रहा है गद्य की विधाएं, ये हालांकि डिलीटेड में है पर इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं ब्लूप्रिंट में कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब निबंध की परिभाषा या निबंधकार के नाम, कहानी पूछ सकते हैं एक दो किसी की, और राइटर के नाम, कहानी के तत्व भी आप देख लेना। इसके बाद इसमें सीधे देखा जाए तो कुछ जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट आते हैं हर साल में, जिसमें नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक और कहानी में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये आप देख सकते हैं। पार्ट उनने बोला है कि सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो या तो कहानी और इनके रचनाकारों के नाम भी पूछ सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक ये सजेशन है कि आप ये वाला चैप्टर सबसे लास्ट में तैयार करें, बाकी पूरे पार्ट को आप अच्छे से 100% कर लें, उसके बाद इसको रीड कर लें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से इससे आना है। संधि भेद में सभी को पता ही है, फैमिलियर हैं सभी स्टूडेंट्स, स्वर व्यंजन विसर्ग की संधि से मैंने कुछ टिक कर दिए, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो टिक लगे हैं ये आप देख सकते हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसमें भी नंबर कटना नहीं चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो सभी की अच्छे से तैयारी होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के अलावा भी हिंदी को भी हमको टाइम देना है ताकि इसमें इजली नंबर मिल जाते हैं, वो भी पूरे 100 में से 100। तो जो ये टिक लगे इन संधि विच्छेद को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बाकी भी देख सकते हैं परंतु ये वाली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने टिक लगा के रखी है, यहाँ भी देखना। समाज पे आते हैं तो समाज की परिभाषा और समाज के कितने भेद होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हर समाज की जो अव्ययीभाव तत्पुरुष इनके उदाहरण और परिभाषा भी आप लोगों को करना है, ये सब आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। और संधि और समाज में अंतर, बहुव्रीहि और द्विगु समाज में भी अंतर आप लोगों को करना है। संधि और समाज में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तत्सम, तद्भव, देशस और आगस शब्द इनमें भी क्वेश्चंस आना ही है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने टिक कर दिए, बाकी सब भी एक बार आप रीड कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है या इसमें से देखकर आप लोग टिक कर लीजिए। और स्पेशल इंग्लिश का भी स्टूडेंट वीडियो आने वाला है बस 2-3 दिन में, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए तो आप लोगों को प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट मिलते रहेंगे। यहाँ पर्यायवाची शब्द देखें तो जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने टिक कर रहे हैं, उनका आप देख लीजिए ये, और बहुत सारे तो आप लोगों को याद होंगे ही, पुरानी क्लासेस में भी सब पढ़ते आए हैं। तो प्रश्न बैंक के बाद स्टूडेंट जो मैंने टिक किए हैं वो बस आप लोग तैयारी कर लीजिए, अब टाइम भी कम बचा है तो इतने पार्ट में ही आप पूरे नंबर लेकर आ जाएंगे। विरोधी शब्द देखें, विलोम शब्द जो हैं इसमें भी बहुत सारे हैं बुक में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप 2019 और 20 का, 20 में तो खैर पेपर हुआ नहीं था हिंदी का शायद, बट 2019-18 के पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा भी यदि विलोम शब्द आते हैं तो आप लोग उसके आंसर दे सकते हैं, गाइड्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, पर फिलहाल बुक से ही ज़्यादातर आते हैं तो वो मैं यहाँ टिक कर ही दे रहा हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी यहाँ पे मैंने टिक कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश भी आना है तो वो आप लोग थोड़ी सी तैयारी उसकी कर लेना, क्योंकि इतना टफ रहेगा नहीं, पद्यांश भी सिंपल ही आता है और गद्यांश भी, तो वो आप लोग उसमें उनका जो शीर्षक है और प्रश्न उत्तर रहेंगे उनके आंसर आप लोगों को देने रहेंगे, वो इजीली आप लोग कर सकते हैं।
बस छोड़ के कुछ नहीं आना पेपर में, पूरा पेपर अटेंड करना है। बाकी के प्रकार देखें तो ये विधानवाचक, निषेधवाचक बहुत कुछ हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो एक बार सारे ही आपको रीड करने का तरीका सीखना है। बाकी तो आप लोग इसको मन से फिर कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस आता है तो विराम चिन्ह के लिए भी एक पैराग्राफ आएगा, और प्रश्नसूचक, अर्ध विराम ये वगैरह कहाँ लगते हैं, पूर्ण विराम, ये प्रश्न सूचक, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार रीड कर लेना। वाक्य शुद्ध करना जो है, इसमें से स्टूडेंट्स ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक कर दिए हैं, और अलग से भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग को हिंदी का नॉलेज होगा यदि थोड़ा, तो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। पुराने पेपर के भी आप लोग कर लेना, ये आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट पहले कई बार आ चुके हैं। कुछ अलग से भी आ जाते हैं जो शायद इसमें नहीं होगा, कि काट कर खरगोश को गाजर खिलाओ इस टाइप में, तो वो सब आप लोगों को करना है। मुहावरे लोकोक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये तो मन से आप लोग लिख सकते हैं। जो जो मैं टिक कर रहा हूँ वो अच्छे से देख लीजिएगा। इस तरफ भी मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हर साल पूछते हैं, तो आप लोगों को वो तो परफेक्ट करना है। यहाँ लोकोक्तियों की परिभाषा भी दी है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ लोकोक्तियाँ दी है जो फेमस हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश तो आप लोग कर ही लेंगे, फिर आगे हम देखते हैं पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र में। तो मैं प्रार्थना पत्र बता दे रहा हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट है। पत्र लेखन जो रहेगा वो आप लोग कर लीजिएगा। जो प्रार्थना पत्र है उसमें स्टूडेंट स्थानांतरण पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, शुल्क मुक्ति और वार्ड में गंदगी दूर करने के लिए आवेदन पत्र लिखना, तो ये करना है। 5 नंबर का आएगा तो, और इसके बाद जो पत्र आता है वो घर पे अपने जन्मदिन के लिए, पार्टी के लिए बुलाना, ये सब तो आप लोग लिख ही लोगे। निबंध लेखन में स्टूडेंट 7 नंबर का निबंध आएगा और 3 नंबर की रूपरेखा। तो निबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान से रिलेटेड आना है, वृक्षारोपण या वन संरक्षण, इसको घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है जो याद कर रहे हैं, या मन से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। 7 नंबर का रहेगा जीवन में खेलों का महत्व, प्रदूषण समस्या समाधान, जो रूपरेखा है उसमें ये 4-5 हैं। और कई बार अधिकांश देखा गया है कि एग्जाम में जो निबंध के टॉपिक है उसी में से बोल देते हैं कि एक आपको लिखना है, बाकी किसी में से भी एक की आप रूपरेखा लिख सकते हो, तो इस टाइप में भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये पूरा पार्ट हमने स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट जो था हिंदी का वो कर लिया है, और बाकी भी टाइम टाइम पे मैं अपडेट देता रहूँगा एग्जाम से रिलेटेड। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।